दोस्तों, अगर आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसके लिए आप सब्सक्राइब के बटन पर जाएं और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा, ऑल बेल के बटन को आप पुश कर दें। जब ये आपके पास क्लियर हो जाएगा तो आप सब्सक्राइब होने के बाद आपको हमारे नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे वार्म गियर के बारे में। वार्म एंड पिनियन गियर कैसे काम करता है और इसकी कैसे वर्किंग है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये पूरा का पूरा डिजाइन होके मोशन स्टडी में चल रहा है। ये अपने आप रोटेट हो रहा है और ये कैसे काम करता है। जब आपकी मोटर रोटेट होती है, ये आपकी पिनियन को घुमाएगी, कड़ी को घुमाएगी और उसके बाद आपका पिनियन रिलीज हो जाएगी। हम सीधी लैंग्वेज में इसको पिनियन, कड़ा पिनियन कहते हैं और टेक्निकल लैंग्वेज में बात पिनियन, वार्म। तो दोस्तों, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो है इसका बीच वाला सेंटर जो हमारा ब्रोंज का बना हुआ होता है। पहले इसको एक बार हम इसको निकाल कर दिखाते हैं कि अगर आपको इन केस जो आपके बैरिंग लगे हुए हैं, ये वाला जो येलो कलर का है, ये आपके ब्रोंज ब्रोंज के बैरिंग है, टेपर बैरिंग। ये इसका आगे का कवर हो गया और इसमें पीछे की जो पिनियन है इसके बाद भी एक आपका टेपर बैरिंग होता है। ये आपकी मोटर हो गई और इसमें दोनों तरफ सील लगी हुई होती है प्लेट में। मैं आपको प्लेट की सील भी दिखा देता हूँ। और ये आपका कवर हो गया पिनियन का। जब आप ये कवर निकालेंगे तो ये साठ को साठ, मैंने इसको ट्रांसपेरेंट बना रखा है, मैं आपको उसका वैसा भी रूप दिखा दूंगा सॉलिड में। जब ये ऊपर निकल जाएगी तो उसके बाद ये साठ पे लगी हुई है। यहाँ पे इस पर एक चाबी लगी हुई है, आप ये देख सकते हैं, इसमें की लगी हुई है नीचे की तरफ है। और उसके बाद ये आपका पिनियन, ये कड़ा आपका वार्म गियर आपका बाहर निकल जाएगा। तो जैसे ही ये बाहर निकलता है हमारा, अगर ये खराब हो गया है तो इसको बदल लेना है। इसमें एक खास बात ये है कि इसमें जो आपके प्लेटों में सब जगह सील होती है, क्योंकि सील का काम है ऑयल को रोकना, इसमें लुब्रिकेंट ऑयल को भरा जाता है। क्योंकि ये आप डॉट देख रहे हैं तो ये जो प्लग है, डेड प्लग, इसके थ्रू हम इसको भरते हैं ऑयल। इसके अंदर ऑयल भरने का मेन कारण क्या है, वार्म गियर हम वहां पर ज्यादा यूज करते हैं जहां पर लोड कम होता है और थोड़ी सी स्पेस हम सीधे मोटर नहीं खड़ी कर पाए, लेकिन लोड इसके ऊपर आगे की तरफ कम होना चाहिए। अगर आपका ऑयल इसके अंदर नहीं है तो उस समय आपका ब्रोंज का जो हम ये बनाते हैं, ज्यादातर हम ब्रोंज यूज करते हैं इसमें, तो अगर आप ब्रोंज का ये वाला जो पीस, अगर इसमें ऑयल नहीं है तो, क्योंकि ये लोहे का होता है दूसरा वाला जो हमारा वाल्व है, तो उस समय हमारा कड़ा जो है इसको कड़ा कर जाएगा और पिनियन हमारी ऐसी रह जाएगी लोहे की है। तो इसलिए हम लोगों को हमेशा इसके अंदर ऑयल भर के रखना पड़ता है। इसीलिए प्लेट में चारों तरफ हम सील लगा कर रखते हैं, इसकी लाइफ लॉन्ग रहेगी अगर आप ऑयल हमेशा लगाते रहेंगे, हमेशा उसमें भरते रहेंगे। डार्ट हमेशा ऊपर की तरफ रखी जाती है जिससे ऑयल का प्रेशर नीचे बना रहे, ये हमेशा डिप रहना चाहिए आपके ऑयल में। अगर आपका वर्म गियर काम नहीं कर रहा है, मैं आपको प्रिवेंटिव के हिसाब से ही बता रहा हूँ, आपके वर्म गियर में आवाज आ रही है, आप उसको पहले सबसे पहले क्लीन कीजिए, उसे बाहर निकालिए और उसके बाद उसमें नया ऑयल भर के भी आप कर सकते हैं अगर आपका वर्म गियर नहीं कटा है। ये कैसे एक्सप्लोड होगा मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। पहले प्लेट जाएगी, आप देख सकते हैं वो वाली सील है, इनमें जो ये प्लेट है इसमें सील लगी हुई है ये वाली, और ये वाली जो ऊपर की प्लेट है इसमें भी आपकी सील लगी हुई है, यहाँ पर ये सील लगी हुई है। और अब मैं आपका ये गियर निकाल देता हूँ एक बार, और ये जो आपका पहले हल्का सा वो ढीला करना पड़ता है फिर आपका वर्म गियर गिर। ये मैंने इसलिए हटाया है कि मुझे पूरी मोटर हटा के अगर आपका टेपर बदलना हो तो उस समय आप अपना टेपर, ये वाला टेपर बैरिंग भी बदल सकते हैं। ये टेपर बैरिंग मैंने आपको बनाना सिखाया था, पहले भी बताया था कैसे बनता है। तो यहाँ पर अगर हम बनाते थे तो हमारा ग्राफिक में थोड़ा सा स्लो हो जाता, तो हमने ये टेपर गियरिंग बैरिंग आपको दिखाने के लिए बना रखे हैं खाली, कि टेपर बैरिंग टेपर बना दिया है हमने इसको केवल दिखाने के लिए। और यहाँ पर आपकी सभी प्लेटों में जो भी प्लेट हम यूज करते हैं उन्हीं में सभी में सील पड़ी होनी चाहिए ऑयल को रोकने के लिए। पहली प्लेट टेबर बैरिंग, ऊपर की प्लेट हल्का सा हिलाया उसके बाद ऊपर गया और ये आपका वर्म गया, सारा भार आ गया। आपको प्रिवेंटिव में जब आपको निकालना हो तो आपको इसी हिसाब से आपको खोलना है। मोटर हटाने के लिए यहाँ पर आपके बोल्ट लगे हुए होते हैं, बोल्ट निकालने हैं। जहां भी आपकी की लगी हुई है, जो चाबी लगी हुई है जिसको चाबी कहते हैं, वो लगी हुई है, आपको शाफ्ट में से या उसमें से आपको हटा देनी है। आप देख सकते हैं, मैं आपको शाफ्ट अलग से भी दिखा देता हूँ। इस शाफ्ट में आप देखिए, ये जो की लगी हुई है
ये की में आपका ये वर्क पेयर फिट होता है। देखिए, अगर अब आपको ये दोबारा फिट करना है तो आपको वैसे ही आपको दोबारा फिट करना पड़ेगा जैसे जैसे आपने निकाला था। इसमें सबसे ज्यादा फिटिंग का ध्यान रखना पड़ता है आपको सिर्फ दो गियर का। अब हम आपको बताते हैं कि ये हमने एक्चुअली फिट कहां पर करा है। ये हमारा ज्यादातर यूज होता है ट्यूबी मशीन में उनके गियर बक्स एजिटेटर को चलाने के लिए। दोस्तों, आपको याद होगा हमने एक टैंक मेडिटेटर की के बारे में आपको पहले बताया था। सबसे ज्यादा अहम रोल, जो इम्पोर्टेंट रोल है, वो टैंक का होता है। लोग बाग टैंक के बारे में ऊपर तौर से जो इंडिया में या लोकल इसमें बनते हैं टैंक, वो इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं होते। इसमें जो टेम्परेचर रखा जाता है, जो इनसाइड इसमें मेटेरियल है आइसोपोलियोल का, तो उसमें आपको टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है कि गर्मियों में आपका टेम्परेचर ज़्यादा ना हो, और जो आपका विंटर वैकेशन आता है, विंटर सीजन आता है, उसमें आपका टेम्परेचर डाउन ना हो। तो समर में इंक्रीज नहीं होना चाहिए, लेकिन हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें दोनों तरह का टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, ना ठंडा हो ज़्यादा हो ना गर्म ज़्यादा हो। अब हम आपको बताएंगे ये वाला जो गेयर बॉक्स है, ये वर्म गेयर हम यूज करते हैं मेटेरियल को घुमाने के लिए। जब टैंक में मेटेरियल पड़ जाता है, सपोज कीजिए आइसो पड़ गया, तो आइसो घुमाने के लिए हमें उसको, जिससे कि वो मेल्ट पूरी तरह रहे और ज्यादा उसमें थोड़े थोड़े जैसे आपका सॉलिड हो जाता है वो ना बन पाए, तो उसको तोड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं। अभी हम आपको मैं आपको इसका एक एजिटेटर का पार्ट दिखाता हूँ। ये ब्लेड है, इसमें आप देख लीजिए ऊपर की तरफ ये की लगी हुई है, और ये वाला पार्ट इसका घूमने का काम करता है नीचे की तरफ। जब आप इसमें ये आप अपना ब्लेड लगा देंगे तो ब्लेड इसके साथ रोटेट करेगा, तो ये जो नीचे मेटल टैंक में, ये उसे जमने नहीं देगा। देखिए, मैंने इस पे अब एक फिट, ये इसके ऊपर फिट कर दिया है ये। अब आप देखिए, ये मैं आपको रोटेट करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये चलेगा कैसे, ये रोटेट होगा। ये हमारी मोटर है, ये जब आपकी मोटर चलेगी तो पिनियन के द्वारा ये घूमेगा और ये आपका ब्लेड घूमेगा। एक बार ये क्लॉकवाइज घूमेगा और एक बार ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो हम उस पर टाइमिंग सेट कर देते हैं कि कितनी देर के लिए ये आपका क्लॉकवाइज घूमना है और कितनी देर के लिए ये एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। ये सर्किट हमने पहले भी बताया था आपको बनाना, फिर एक बार हम बताएंगे अगली वाली वीडियो में कि इसका सर्किट कैसे बनेगा और जो इसके साथ कूलिंग का सिस्टम है वो कैसे पूरा होगा। ये हमने आप टैंप का जो हमारा मेटल टैंक हमने आपको पिछली बार दिखाया था, मैं इसका टैंक का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर कर दूंगा दोबारा से, कि आप इसके चारों तरफ के बारे में, जो इसके अंदर की जो कूलिंग का सिस्टम है या हीटिंग का सिस्टम है वो जान जाए। इसमें जो चार लेयर लगानी पड़ती है अलग से, फोर लेयर का ये होता है। इसमें क्या है, अब आपका ये हमने ब्लेड आपको दिखाया था, ब्लेड हमने फिट कर दिया है, कवर ऊपर आ गया, ये आपका एयर का जो इसका निकलने का जो एयर इसमें अंदर एडजस्ट हो जाती है, बन जाती है, वो निकालने के लिए है, ना कि टेम्परेचर लो करने के लिए है। ये आपका गेयर बॉक्स आप देख सकते हैं, ये अब ये गेयर बॉक्स इसको परमानेंट फिट कर दिया है, इसमें ऑयल भरा रहेगा और ये आपका जब भी रोटेट करेगा तो आपका ब्लेड घुमाएगा। ब्लेड जो आपके इसके अंदर, मैंने इसको ट्रांसपेरेंट कराया आपको दिखाने के लिए, एक बार देख लेते हैं कि ये अंदर कैसे चलता है। ये देखिए, ये ब्लेड इसकी जो आपका इसका बॉटम पार्ट है वो टेपर में है, आपका टेपर में पार्ट है ये, आपको कैसे पता लगेगा मैं दिखा देता हूँ एक बार। वो जब आप ये साइड से देखेंगे तो ये आपको साइड से ऐसा दिखाई देगा, ये हीटर हो गए, और मैं आपको कूलिंग का सिस्टम मैंने आपको बता ही दिया है, इसमें उनका भी बताया था पिछली बार। देखिए, ये इसके अंदर ऐसे काम करता है, ये जो इसकी ये जो बॉटम पार्ट है ये इसमें ये रोड घूमता रहेगा, जिसके कारण लेकिन जो मेटेरियल का गैप है, जो आपका नीचे मेटेरियल जाना है, ये उससे इसका कोई मतलब नहीं है, ये मेटेरियल को नहीं रोकेगा। अगर आपके सॉलिड टुकड़े बन जाते हैं तो आपके मेटेरियल बिल्कुल का फ्लो जो है कम हो जाएगा, काम में भर्ती होगा, ट्रांसफर पंप बढ़िया काम करेगा नहीं और आपके हेड में हमेशा प्रॉब्लम आएगी। उसी को दूर करने के लिए एजिटेटर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है। ये आपको टैंक के बारे में जरूर जानना चाहिए अगर आप व्यू मशीन पर काम कर रहे हैं। ये इतना टेक्निकली पॉइंट है इसका कि इसके बारे में जो नहीं जानता वो इसको कंट्रोल कर ही नहीं सकता है, कि आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो मेटेरियल कंपोजिशन है, आपका जो कैलिब्रेशन है, वो डिपेंड करता है मेटल टैंक के ऊपर, ना कि ट्रांसफर पंप के ऊपर। ट्रांसफर पंप की अगर आपको लाइफ बढ़ानी है,
हेड की लाइफ बढ़ानी है तो आपको इस टैंक के बारे में पूरी तरह से नॉलेज होनी चाहिए। आज हमने आपको एजुकेटर जो घुमाने का सिस्टम है कि मेटल को कैसे घुमाएगा उसके बारे में बताया है। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, हम आपको इसका कूलिंग और हीटिंग का सिस्टम बताएंगे अगली बार। धन्यवाद।